तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। अभी आ गया वसंत दादा पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे देख लीजिए आप, हॉस्पिटल है जिसकी सेवाएं 24 आवर्स चालू रहती है। अब हम कॉलेज के अंदर चलेंगे। सबसे पहले हम राइट साइड में देख लेते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल एरिया है और यहाँ पे सब क्लासरूम्स मतलब एकेडमिक एरिया है पूरा, ठीक है। यहाँ पे DL कैंटीन है जिसे हम DL कहते हैं, धनलक्ष्मी कैंटीन, ठीक है, हमारा कॉलेज का कैंटीन है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एकेडमिक से। ये पूरी पार्किंग है VPMC की, मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में VPMC कहा जाता है। ये पूरी पार्किंग है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा गाड़ियाँ पार्क होती है, वहाँ पे हमारी बाइक लगी हुई है। पहला जो डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो द्रव्यगुण विज्ञान, मतलब कि ड्रग्स, मेडिसिन एंड ड्रग्स का ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्लांट्स लगाए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्लांट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड डिपार्टमेंट आता है, ये लेबोरेटरी है जो रसशास्त्र डिपार्टमेंट की है, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। आयुर्वेदिक कॉलेज की एक खास बात यही होती है कि यहाँ पे मेडिसिन खुद वो बनाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड कमरे के बारे में, जो कि है टीचिंग फार्मेसी, ठीक है। अब आता है फाइनली रसशास्त्र एंड भैषज कल्पना का डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे कि आप पूरा तरह से पूरा व्यू देख रहे हो यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 4 ईयर के 4 क्लासरूम है, मतलब कि क्लासरूम नंबर 1 जो कि 1st ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर का क्लासरूम रहेगा, 3rd ईयर का, और लास्ट में आता है आखिर में 4th ईयर का क्लासरूम, ठीक है। सारे क्लासरूम पूरी तरह से बंद है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ है और दोपहर में छुट्टी रहती है, तो हमने भी ये हुआ सही समझा लॉक शूट करने के लिए कि ताकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस के लिए कोई होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आपको क्लासरूम दिखा देता हूँ, एक क्विकली क्लासरूम दिखा देता हूँ। क्लासरूम बेसिकली आज बंद ही रहेंगे क्योंकि आज कुछ होने वाला तो है नहीं यहाँ पे। अब 1st फ्लोर की तरफ जाएंगे जो कि नीचे लॉक है पूरा, सामने लाइब्रेरी है। देखते हैं हम यहाँ पे फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, मतलब कि यहाँ पे ऊपर के जो 2 मंजिले है वो पूरी तरह से फार्मेसी कॉलेज को दी गई है, ठीक है। क्लासरूम नंबर 4 यहाँ पूरा गर्ल्स हॉस्टल है जिसकी तरफ तो हम जा ही नहीं सकते भाई। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज के ऑफिस की। ये रहा वसंत दादा पाटिल का ऑफिस। ऑफिस के अंदर हम जाएंगे अभी, ठीक है। ये पूरा अभी जहाँ यहाँ पे जो चल रहा है ये पूरा वॉलीबॉल का एरिया है, मतलब कि यहाँ पे रात 6 to 8 PM तक सारे वॉलीबॉल खेलते रहते हैं।
जो कि यूपीएमसी का प्राइड मूवमेंट कहा जाता है, वो हम अंदर चलेंगे, पूरा ऑफिस दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट, एक ऐसा लैटरल व्यू देख लेते हैं पूरे कॉलेज का। ये रहा हमारा कॉलेज बसंत दादा पाटिल, ठीक है। ऑक्सीजन टैंक ला के रखे भाई लोग अभी। ये रहा पूरा ऑफिस, ये प्रिंसिपल का कैबिन है। अंदर ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसका भी लॉक लगा हुआ है तो अपन अंदर जा नहीं सकते। ये रिसेप्शन का एरिया है, जहाँ पे आपको अगर कोई भी दिक्कत रही तो सबसे पहले यहीं पे आपको बताना पड़ता है, फिर अंदर जाते हैं, ठीक है। अब हम कॉलेज के ऊपर जा रहे हैं। वैसे 2017 के वक्त हमारी बैच यहाँ पे एडमिशन ली थी। 2017 में ये पूरा कॉलेज ऐसा डेकोरेट हुआ नहीं था, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं था। मतलब कि इंटरेस्टिंग बात बता तो मैं कॉलेज के सामने 3 बार गुजरा, मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरा कॉलेज है। अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, ठीक है। देख लीजिए आराम से, ये ऑफिस है ट्रस्टी का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग सभी होती है। अंदर जाना फिलहाल तो अलाउ नहीं है हमें। और देख लेते बीपीएमसी का ऑडिटोरियम, ठीक है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि ऑडिटोरियम कैसा है। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो वीडियो। वीडियो में आपको पूरा डिटेल कॉलेज व्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी गाइस। एक एम्प्टी एरिया है जिसके अंदर हम अगर गैदरिंग वो सब रहा तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते, यहाँ पे अंदर भी प्रैक्टिस कर लेते, ठीक है। अभी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो चुका है। सैल्यूट टू द तिरंगा जो लहरा रहा है हवा में, हमेशा लहराता रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे, एक बार ऊपर से कॉलेज का व्यू देख लेते। कॉलेज का हॉस्पिटल 3rd फ्लोर तक है और एकेडमिक एरिया का भी पूरा 3rd फ्लोर तक ही है। चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। आपको अब हॉस्पिटल का मैं एक ना एक डिपार्टमेंट बताऊंगा, सिर्फ हम ऊपर से उसको जानेंगे, अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो चुका है यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंस डे के बाद ये पूरा बंद रहा है, ठीक है। दोपहर की छुट्टी है, हमें भी व्लॉग शूट करने के लिए काफ़ी अच्छा सा टाइम मिल रहा है। अभी एनवायरमेंट भी थोड़ा सा सांगली में हो यार, तो एनवायरमेंट की बात हम कर ही नहीं सकते, यहाँ पे बारिश कभी भी आ सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो। ये रहा पूरा, ये देखिए यहाँ पे पूरी बाइक कार सब पार्क की हुई है। यहाँ पे जेंट्स टॉयलेट है, उसके साइड में लेडीज टॉयलेट है, जिसका व्यू तो हम दिखाएंगे नहीं। अब कंट्रोल कंट्रोल, अब हम जाते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट की तरफ। एनाटॉमी का एक्चुअली क्या होता है, एनाटॉमिक का लेक्चर्स वो सब वहीं पे हो गए। ऊपर एक लैब है और एक नई लैब बनाई गई यहाँ पे, वो रही ये। यहाँ पे पूरा डिसेक्शन हॉल है, मतलब एनाटॉमी का सब कुछ यहीं पे होता है, वो सिर्फ खाली नाम के लिए। यहाँ पे पूरा डिसेक्शन रहेगा। अभी फिलहाल तो ये बंद है पूरा, देख लीजिए आप, ये बंद है पूरा फिलहाल, ठीक है। पर काफ़ी अच्छा पेड़ है यार, हरा भरा, मज़ा आ गया देख के। यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि कॉलेज के लेफ्ट साइड के पास, लेफ्ट साइड मतलब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, अभी यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि कॉलेज के लेफ्ट साइड में ये 7 हिल्स एक बिल्डिंग है फॉर्म होने वाली है। अभी 4 मंजिलें बनी गई है, तो काफ़ी यहाँ पे प्राइम एरिया हो जाएगा यहाँ पे वैसे भी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हॉस्पिटल एरिया की तरफ। हम अभी थक चुके हैं पूरा, हाथ में मोबाइल पकड़ के। ये देखिए आपको वीपीएमसी का गार्डन बता देता हूँ, पूरा तरह से गार्डन देख लीजिए आप। यहाँ पे हर एक तरह के आयुर्वेदिक प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे, आराम से देख लीजिए, पूरा आयुर्वेदिक गार्डन ही है। यहाँ पे हर एक आयुर्वेदिक प्लांट यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब ले स्टार्ट द डिपार्टमेंट। हम यहाँ से मतलब कि कॉलेज के अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ से अंदर आए थे। पूरा एकेडमिक एरिया कवर किया था हमने। एकेडमिक एरिया कवर करने के बाद अब जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ, ठीक है। ये ENT की OPD है, ठीक है। ENT की OPD हम अंदर से बता नहीं सकते कि कैसी है, क्योंकि अभी ये बंद है पूरा। सेकंड पे आता है ये नेत्र, मतलब आय स्वस्थ, जो कि आयुर्वेदा के एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आते हैं बेस ऑफ आयुर्वेदा, पंचकर्म, जो कि पंचकर्म की ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारे पास पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये उसकी OPD है। उसके बाद आता है गायनेकोलॉजी। अब हम चलते हैं पूरी तरह से सर्जरी की तरफ। अब सर्जरी के बाद आएगा जो होगा वो मेडिसिन होगा, ठीक है। पूरी तरह से देख लीजिए, ENT नेत्र मतलब आय, उसके बाद आएगा पंचकर्म, उसके बाद आएगा स्त्री रोग का डिपार्टमेंट आएगा, सर्जरी आएगा, चिकित्सा डिपार्टमेंट आएगा। पूरी तरह से यहाँ पे आएगा अत्यधिक OPD, मतलब कि इमरजेंसी OPD यहीं पर पड़ी रहती है, पड़ी रहती है मतलब यही तो होती है कॉलेज के अंदर।
क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आपको केस पेपर यही से निकालने पड़ते हैं हर एक डिपार्टमेंट के। काफ़ी कम कीमत में आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाती है, केस पेपर की फीस भी। ये मेडिकल स्टोर रहेगा VPMC का, ठीक है, VPMC का मेडिकल स्टोर, मतलब कि यहाँ पे आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट उसके बारे में, ठीक है, शिफ्ट शूट में ले लेंगे। ये RMO सर का ऑफिस होता है, मतलब यहाँ पे रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर हमेशा रहते हैं। और ये है पीडियाट्रिक की OPD। अभी आती है यहाँ पे लैब। अब लैब के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हर एक टाइप की टेस्ट आपको करने को मिल जाएगी, ठीक है। टेस्ट के नाम तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सुन के वैसे ही बोर हो जाओगे तुम लोग। ये रहा सोनोग्राफी का एरिया पूरा, उसके बाजू में आता है ECG। और अब चलते हैं, फाइनली हम जाएंगे यहाँ पे रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट की तरफ। फाइनली अब फिर से एक बार आ गए हम VPMC के गेट की तरफ। ये मेरे दोस्त है खड़े हुए यहाँ पे। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।